पैदाशी मुसलमान हो, सुबह उठते मुंह हाथ धो के तो जो ना जो चीज चढ़ी खा पी के बाहर के घास खा पी के आगे सो के उठ रहे, जो मर्जी कर रहे हो। वहां ऐसा नहीं था, वहां कमाना भी था, इस्लाम के लिए मरना था, मारना था, लड़ना भी था। बहुत बड़ा जहाज और भूखे पेट पे पत्थर बांध के, जो उन्होंने दो दो पत्थर बांधे, उन्होंने सारी सख्तियां बर्दाश्त की। हमें तो इस्लाम ऐसे प्लेट नाम के मुसलमान, असल प्रैक्टिकल मुस्लिम वो थे जिन्होंने बहुत मारे खाई और फिर मारा, जख्म खाए और जख्म दिए, मारा भी, मरे भी, शहीद भी हुए, गाजी भी हुए, सारा कुछ कर करा के आज हमारे तक ये कुरान और सुन्नत इस्लाम, और हम आपस में लड़ रहे हैं। वो हों तो वो देख के हैरान हो जाए कि हम तो लड़ते रहे हैं काफरों के खिलाफ, ये बुल्लू के पट्टे आपस में लड़ रहे हैं। वही किसी अंग्रेज ने कहा था ये कॉस्मेटिक इस्लाम है, हर किसी ने अपनी परफ्यूम लगाई हुई। इन चीजों से कैसे निकल सकते हैं, ये सवाल पैदा होता है। वो एक ही बात है कि सिर्फ हुब्बे नबी, बस हुब्बे नबी, सच्ची मोहब्बत हजूर से कर लो तो मैं देखता हूँ कि फिरके सारे खत्म ना हो। मुझे आगे कर लो, किस तरह मोहब्बत का कैसे करोगे, जो हजूर ने किया वो करोगे। रास्ते में कांटा उठाते हो नहीं, तुम तो कांटा फेंकते हो, क्या मोहम्मद अली गुजरे इसको कांटा चुभे, तकलीफ हो हमें खुशी हो, लेग पुलिंग टांगे खींचते हो एक दूसरे, झूठ गीबत बोतान मन घड़त किसे ठोक देते, किसी की कोई गलती होगी उसकी इज्जत उछाल देनी, कोई बच्ची है, बच्चा है, लड़की है, लड़का है, ओ ऐसे पता चले की होया, हर की पता चले की होया, नहीं पता तब भी, और ऊपर सोशल मीडिया बेड़ा घर। तो हजूर पाक सल्लम के पास एक इतनी सवाल एक साहबा ने पूछा कि माशर वाले दिन मैं क्या करूं कि मेरे अमाल पे पर्दा पोशी हो जाए, मैं क्या करूं। हजूर ने कहा कि तू लोगों के ऐब छुपाया, तू लोगों के ऐब छुपाया कर, खुदा तेरे ऐबों को छुपा दे। आज ऐसे है जो हजूर ने किया वो करो, नमाज फर्ज है पढ़ो, जो हजूर की सुनते हैं पढ़ो सारा, वो तो तुम्हारी अपनी जाती इबादत है। लेकिन जो हजूर ने और कुछ किया माशरे के लिए, इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं है, पूरा और बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो जो हजूर ने किया वो करो, तो इंशाल्लाह फिर हजूर से मोहब्बत भी जाहिर होगी।